Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to my YouTube channel again with another day, with another vlog, with another recipe. तो आज का vlog बहुत ही interesting होने वाला है, क्योंकि आज के vlog में हम आपको बनाने सिखाने जा रहे हैं बहुत सी garnishing items जो कि आप लोग अपने hot kitchen के अंदर और cold kitchen के अंदर plating करते हुए, serve करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं. और साथ ही साथ आपको हम सिखाएंगे बहुत से plating techniques. और इस vlog के अंदर आपको मिलेगा cup sponge की रेसिपी, चॉकलेट गनाश की रेसिपी, वाइट चॉकलेट गनाश की रेसिपी, caviars की रेसिपी, turnips की रेसिपी. उसके अलावा आपको मिलेगा इसके अंदर मिनर ग्लेस, डार्क चॉकलेट मिनर ग्लेस और बहुत सी अदर रेसिपीज. तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन. तो मिलते हैं आपसे सीधा किचन के अंदर. सबसे पहले हम लोग लेंगे ऑयल, हम इसमें डालेंगे 3 होल एग. हम इसमें ऐड करेंगे सम योगर्ट. और अब हम कोको पाउडर के अंदर ऐड करेंगे सम फ्लावर. साथ हम ऐड करेंगे आइसिंग शुगर, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर. इन सब को अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स. उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे लिक्विड के अंदर जो हमने प्रिपेयर किया है. अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सेफ से अच्छी तरह से छान लेंगे. अब हम इसको स्लाइटली फोल्ड करेंगे. अब हम ट्रे को ग्लेस करेंगे ऑयल की मदद से. और अब हम इसे बटर पेपर लगाएंगे. अब इनको हम प्री हीट करेंगे 180 के ऊपर और इसको बेक करेंगे फॉर 20 मिनट. केक बनाया मैंने, केक मैंने आपको पहले बनाना सिखाए हैं. मैंने एक स्पंज बना के रखा है अपने पास सिर्फ. आपके ना केक इस तरह से कट किया है, कोशिश करें आपके केक की जो हाइट है ना वो एक जैसी हो. कहीं से छोटी बड़ी होगी ना तो इसको कट कर लीजिएगा. गनाश को आपने इनके ऊपर लगाना है अच्छे से. ये देखो कितना टाइट करना है आपने. केक आपका बहुत अच्छा बना हुआ होना चाहिए सॉफ्ट में. ताकि गनाश जो है ना अच्छे से सेट हो जाए. सिवाय व्हिपिंग क्रीम के हर चीज आपने एक सॉस पैन में डालनी है और उसको आपने कुक कर देना है, पका लेना है, उसको ठंडा करना है, छान के उसको ठंडा कर ले और उसके अंदर व्हिपिंग क्रीम शामिल कर दें. आपका चॉकलेट मूज रेडी हो जाएगा. ये विद एग चॉकलेट मूज है जो व्हाइट चॉकलेट मूज था विदाउट एग है. और उसी में अंदर अगर आप डार्क चॉकलेट डाल लेते हैं तो विदाउट एग आपका डार्क चॉकलेट मूज बन जाता है. और जेलेटिन को सोक कर रही हूँ ठंडे पानी में. ये सोक हो जाएगा तो इसको भी हम डालेंगे. एक सॉस पैन दो बच्चे. चॉकलेट कहाँ है इसकी? 200 ग्राम चॉकलेट भी दो ना. 150 ग्राम ही 200 कर लो. कोको को पाउडर भी है ना. अगर हमने व्हाइट चॉकलेट का नाश बनाना तो वो भी सीरियस सभी से बनेगा. यहाँ पे डार्क हमने मिल्क चॉकलेट रखी वहाँ पे व्हाइट चॉकलेट. एक सॉस पैन दो बचे. सॉस पैन 150 ग्राम ले लो.
इसको बेटे वायर वेस्ट लो और वायर वेस्ट लगा के ना इसके अंदर से गुठली खत्म करो और इसको थोड़ा सा कुक कर लो। ये कुक हो जाएगा फिर हम इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम डालेंगे और फिर इसमें हमने फिल करनी है। चॉकलेट किधर है? चॉकलेट शॉप का है। ले क्या हो चॉकलेट? चॉकलेट डाल के कुक करेंगे ना। इसको स्ट्रेन करें अच्छे से। बेटे जो सारी चीजें मैंने मिक्स की थी ना ये देख रहे थे कंसिस्टेंसी, इसको आप अच्छे जितना कोई भी चॉकलेट का डिजर्ट है ना या मूज है उसमें जितनी अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट होगी आपका मूज आपका डिजर्ट उतना अच्छा बनेगा। जैसे मोल्टन लावा है, जैसे चॉकलेट पॉटी क्रीम है, ये डिपेंड करते हैं सिर्फ चॉकलेट के ऊपर। इसको स्ट्रेन करें और स्ट्रेन करने के बाद इसको ठंडा करें अच्छे से। ठंडा हो फिल करूंगी इसके अंदर। हाफ से ज्यादा फिल नहीं करना, वो चॉकलेट की वो लेके आए मेरे पास टेस्ट जो मैंने रखवाई थी। क्या होगा कि सारे लेवल हो जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपका छोटा बड़ा हो रहा है फ्रीज होने के बाद ये सब चीजें जो है ना वो लेवल हो जाएंगी। कटिंग कर लेंगे हम इसमें फ्रीजर में। मेरा ग्लेज ऐसे ही बनना चाहिए था मेरा ग्लेज, और इसको बिना भी हमने सेट होने के लिए रखना था लेकिन हम रख नहीं सके, टाइम नहीं था तो मैंने भी इसको इसी तरह से डाल दिया। अदरवाइज आपने इसको पहले सेटल डाउन करना है, थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा फिर आपने इसके ऊपर लगाना है। और मेरा ग्लेज भी इसी तरह से, मेरा ग्लेज का ना टेम्परेचर आपने प्रॉपर तरीके से नोट करना है। मैम उसका टेम्परेचर जरा दोबारा बता। 103 से 108 तक आपने पानी ग्लूकोज और शुगर को पकाना है। ज्यादा पक गया तो भी प्रॉब्लम करेगा, कम होगा तब भी प्रॉब्लम करेगा, तो इसी वजह से हमारे जो ना सुबह ठहर नहीं रहा था। मैं नेक्स्ट में मेरा ग्लेज दोबारा करवा दूंगी प्रॉपर टेम्परेचर के थ्रू, आप लोगों ने इसको यूज करना है। और इसको भी आपने बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए रखना है, जब ये थिक हो जाएगा फिर आपने इसके ऊपर डालना है। जब ठीक हो जाएगा इसके ऊपर डालने के बाद इसको फ्रिज में रखें और फिर आपने इस पर मजीद काम करना है। बिस्किट लेके आए मेरे पास, इसको बिस्किट पे रखना है। ये आपकी जो है वो गनाश है, इस साइड पे आप मूंग से।